के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म आज कराची का दौरा कर रहे हैं, जहां वो पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम जारी मुश्तरका बैन-उल-अक़वामी बहरी मशकों का मुआयना करेंगे। न्यूयॉर्क में सालाना पार्लिमानी इजलास में डिप्टी स्पीकर ने पानी की किल्लत के मसले पर काबू पाने के लिए तआवुन में इजाफे पर जोर दिया है। भारत के गैरकानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में फस्ताई भारतीय हुकूमत की ज़ालिमाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कल मुकम्मल हड़ताल होगी। और आज कराची में 8वें पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स का मुकाबला पिशावर ज़ल्मी से होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे, जहाँ वो पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम जारी मुश्तरका बैन-उल-अक़वामी बहरी मशकों का मुआयना करेंगे। 50 से ज़ायद ममालिक की बहरी अफवाज मशकों में शिरकत कर रही हैं। हर 2 साल बाद होने वाली इन मशकों का मकसद कज़ाकों, दहशतगर्दों, मनशियात और असलहे के स्मगलरों के ख़िलाफ़ एक मौसर और मुश्तरका हिकमत अमली फ़ज़ा करना है। पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट का एक वफ्द अक़वामे मुत्तहिदा में सालाना पार्लिमानी समात के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद है। वफ्द की क़्यादत कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ज़ाहिद अकरम दुर्रानी कर रहे हैं। सालाना पार्लिमानी इजलास के इफ्तिताही इजलास के दौरान डिप्टी स्पीकर ने पानी की कमी के मसले से निमटने के लिए तआवुन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा पार्लिमानी वफ्द ने इक्तसादी तरक्की के लिए अक़वामे मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल नवीद हनीफ से मुलाकात की और मौसमियाती तब्दीली और पानी की कमी के से मुतालिका मसाइल पर बातचीत की। उन्होंने आबी अहदाफ और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के एजेंडे को फ़रोग देने के लिए आलमी तआवुन की ज़रूरत पर जोर दिया। सेनेट का मुख्तसर इजलास चेयरमैन सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के आगाज़ पर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से कहा कि वह अपने रवैये का जायज़ा लेते हुए इसे दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़्यादत पार्लियामेंट की बेहरमती के बजाय होश से काम लें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहजाद वसीम ने हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की और गैस की कीमतों में इजाफे का जिक्र किया। बाद में चेयरमैन सेनेट ने ऐवान का इजलास एजेंडा शुरू किए बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। तुर्की और शाम में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले हौलनाक जलजिले में हलाकतों की तादाद 36,000 से तजावज़ कर गई है। हुकाम के मुताबिक तुर्की में 31,643 जबकि शाम में 4,610 अफराद जान बाँक हुए हैं। शाम के सदर बशार अल असद ने तुर्की के 2 मजीद सरहदी रास्तों के ज़रिए शाम के मुतासर इलाकों में अक़वामे मुत्तहिदा की इमदाद फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की है। भारत के गैरकानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में लोगों को मुख्तलिफ बहानों से उनकी ज़मीनों और जायदादों से बेदखल करने समेत नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत के ज़ालिमाना इकदाम के ख़िलाफ़ बुध को मुकम्मल हड़ताल होगी। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि ज़मीनों पर कब्ज़े की मोदी की पॉलिसी का मकसद कश्मीरियों की शनाख्त और उनके मुस्लिम तशख़्स को मिटाना है। उन्होंने कश्मीरियों पर जोर दिया कि वह इत्तेहाद व इत्तेफाक को फ़रोग दें और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गठजोड़ को ज़ालिमाना इकदाम के ज़रिए अपने वतन को छीनने और मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की इजाज़त ना दें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़्यादत फस्ताई भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों का मकसद मुख्तलिफ हीलों बहानों से कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से बेदखल करके बेख्तियार करना है। बैन-उल-अक़वामी ज़राए अब्लाग का कहना है कि भारत की हुकूमत की तरफ से BBC की दस्तावेजी फ़िल्म जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर 2002 में होने वाले मुस्लिम कुश फसादात में तनकीद की गई है पर पाबंदी के उल्टे असरात सामने आए हैं। ज़राए अब्लाग ने कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से BBC की दस्तावेजी फ़िल्म पर पाबंदी ने उसकी शोहरत में मज़ीद इजाफा कर दिया है और इसे रोकने के इकदाम का कोई असर नहीं हुआ। कानूनदान भूषण, सीनियर सहाफ़ी एनराम और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रुकने पार्लियामेंट माहुआ मोइत्रा ने का हवाला देते हुए जिन्होंने इस दस्तावेजी फ़िल्म पर आयद पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मीडिया ने बताया कि दस्तावेजी फ़िल्म में किसी भी किस्म के इजहार राय पर कतअन के कानून की खिलाफवर्जी नहीं की गई।
پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج لاہور میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا اچانک دورہ کیا اور پاکستان سپر لیگ کے لیے کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے لاہور میں ڈیجیٹل کیمروں کے ذریعے سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کے نظام کا معائنہ بھی کیا۔ اور کراچی میں آٹھویں پاکستان سپر لیگ کے آج کھیلے جانے والے میچ میں کراچی کنگز کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔